अयोध्या रेलवे स्टेशन पर है और हम ये जानना चाहते हैं कि जो आज से रिजर्वेशन काउंटर अयोध्या में चालू हुआ है रेल प्रशासन के द्वारा, किस तरीके से यहाँ पे यात्रियों के लिए बुकिंग हो रही है इस लॉकडाउन में, और कौन कौन सी ट्रेन अयोध्या से जाएंगी, जो यहाँ पे तीर्थयात्री या मजदूर फंसे हुए हैं उनको गंतव्य स्थान पे पहुँचाने के लिए रेल प्रशासन किस तरीके से व्यवस्था कर रही है। हमारे पास जो है रिजर्वेशन के बाबू हैं अमरीश मिश्रा जी, उनसे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें अयोध्या से चलेंगी। इसमें रेल प्रशासन ने 1 जून से जो कोविड-19 स्पेशल गाड़ियों को चलाने का निर्णय लिया है, उसमें अयोध्या होकर जाने वाली सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, एक साबरमती एक्सप्रेस और दूसरी सरयू यमुना एक्सप्रेस। यही दोनों गाड़ियां अप और डाउन दोनों साइड में जाएंगी। इसके अतिरिक्त और कोई भी गाड़ी इस रूट से जाने वाली नहीं है, और इस समय काउंटर से सिर्फ कोविड-19 स्पेशल गाड़ियों की बुकिंग आज से शुरू हुई है काउंटर पे, और वही बुकिंग हम लोग कर रहे हैं। सर, ये आज जो बुकिंग आपने चालू की है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी, और अब किस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं और कितनी बुकिंग आज की डेट में हो चुकी है और किस ट्रेन से कहाँ जाने की हुई है? जो कल न्यूज़ में दिया था इससे लोगों को जानकारी तो हो गई है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हो सकता है पैसेंजर आने में दिक्कत हो रही हो, या आना ना चाहते हो, या जाने के पैसेंजर नहीं होंगे यहाँ से। सुबह की शिफ्ट में एक भी टिकट नहीं बना था, 2 बजे के बाद की पाली में अभी एक पैसेंजर ने 4 लोगों के लिए टिकट बनवाया है, 4 पैसेंजर के लिए एक फार्म हुआ है 6400 रुपये का, अयोध्या से अहमदाबाद के लिए 4 व्यक्तियों का टिकट उसने बनवाया है, और वही 6400 रुपये की बुकिंग आज की डेट में हुई है। जिन लोगों ने पहले से टिकट ले रखे हैं और उनके कैंसिल होने के लिए भी ये बताया गया था कि उनके पैसे रिफंड होंगे, ऐसी कोई जानकारी है कि उनके पैसे कब से रिफंड होंगे, वो यात्री कब आएँ और आपके काउंटर से पैसे लें? अभी प्रशासन के द्वारा ये बताया गया है कि 25 तारीख से 25 मई से काउंटर से रिफंड की प्रक्रिया शुरू होगी, और जो बीते दिनों के टिकट है, आज पहले के जो टिकट है, उनका TDR बनाया जाएगा, उनका ऑनलाइन रिफंड उनके खाते में आएगा, और जो आगे की टिकट है उनका रिफंड काउंटर से किया जाएगा। हालांकि कोई अभी स्पष्ट आदेश नहीं आया है, लेकिन 25 तारीख से सूचना मिली है कि ये रिफंड दिए जाएंगे। 25 मई से जो है उन यात्रियों के टिकट रिफंड होंगे जिन लोगों ने टिकट ले रखा। क्या जनरल यात्रियों को भी यहाँ पे टिकट मिलेंगे कि केवल रिजर्वेशन ही की टिकट मिलेंगे? नहीं, जनरल यात्रियों के लिए अभी कोई सुविधा ऐसी नहीं की गई है, मात्र रिजर्वेशन क्लास के टिकट जारी किए जा रहे हैं। ये है अयोध्या रेलवे स्टेशन के जो है रिजर्वेशन बाबू है अमरीश मिश्रा जी, जो बता रहे हैं कि अयोध्या रेलवे स्टेशन से 1 जून से केवल 2 ट्रेनें चलेंगी, एक साबरमती एक्सप्रेस, एक सरयू यमुना एक्सप्रेस, लेकिन उसमें जनरल टिकट नहीं होगा, केवल रिजर्वेशन टिकट होगा। और आज जो है जो बुकिंग सेंटर खुला है उसमें सिर्फ एक यात्री ने अहमदाबाद का टिकट कटवाया है 4 यात्रियों के लिए। इस तरीके से यहाँ भी काउंटर बिल्कुल सूने सूने हैं, ना यात्री हैं ना कोई यहाँ है, लेकिन यहाँ पर केवल रिजर्वेशन बाबू हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी तीर्थयात्री आवे अपना टिकट कटावे, क्योंकि 1 जून से अयोध्या रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनें सिर्फ 2 हैं जो चलेंगी, जनरल टिकटें नहीं बन रही हैं। इस वजह से यात्री इस भ्रम में ना रहें कि जनरल टिकट मिलेगा, लेकिन जिन यात्रियों ने पहले से टिकट ले रखा है उनकी वापसी की व्यवस्था 25 मई से होगी, जो इसी काउंटर से ही पैसे भी वापस किए जाएंगे।